तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो है सीजी व्यापम ने नया प्रेस विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर जो है व्यापम के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आपके जो है ITI प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 जिसमें ट्रेड क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 के प्रश्नों पत्रों के जो है मॉडल आंसर जो है जारी करने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं मॉडल आंसर आ चुका है, मॉडल आंसर से आप जो मिलान करके देख सकते हैं। मॉडल आंसर इस तरह से है कि आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब तक अगर हमें अगर सही आंसर पता नहीं रहता, अगर हम तुक्का लगाते हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन आप जो है नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए तभी आप एग्ज़ाम्स में जो है एक अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं, तभी आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो है लो जाने वाला है, तो आखिरकार कितने नंबर में सिलेक्शन आपका जो है हो पाएगा आपको कट ऑफ भी मैं बताऊँगा। अगर हम ट्रेड की बात करें तो इसमें मेसन जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर हैं, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग के हैं, फिटर के हैं, वेल्डर के हैं, मैकेनिकल डीजल के हैं, मैकेनिक ट्रैक्टर के हैं, मशीनिस्ट ग्राइंडर के हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के जो है एग्ज़ाम्स हुए थे। तो आज जो है मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है और साथ में आपको जो है दावा पत्र करने के लिए 6 तारीख तक के जो है समय है, 6 जून तक आप जो है दावा पत्र कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिनको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है आप जो है दावा पत्र कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कट ऑफ की आखिरकार जो है कट ऑफ जो है कितना जाएगा, जनरल OBC SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या होगा, तो यदि हम जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो कट ऑफ जो जाने वाला है, यदि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 85 से जो है 90 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। ST कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो है कम से कम जो है 70 से 75 नंबर में, और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो लगभग 80 में, और वहीं यदि आप ST कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका सिलेक्शन होगा 60 से 70। ये अलग अलग ट्रेडों के लिए हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपका वेल्डर हो गया, मैकेनिक हो गया, और फिटर वेल्डर और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, हर एक के जो है अलग अलग जो है, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, सभी का कटअप जो है अलग अलग आपका जो है जाने वाला है। तो मॉडल आंसर से आप जो है मिलान करके देख सकते हैं कि आपका जो है कितना मार्क्स बन रहा है, कितना नंबर आपका आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है कामयाबी देखने को मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है सक्सेस मिलेगा। तो इसलिए आपको काम करना ज़रूरी है, आपको मेहनत करना ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा आपका मेहनत रहता है उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन होता है। तो ITI प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर आ चुका है, रिज़ल्ट जो है कुछ ही दिनों में अब आ जाएगा। लगभग हर एक ट्रेड्स का जो है मॉडल आंसर आ चुका है, कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट अभी प्रकाशित किए जाएंगे। सो आई होप वीडियोस आप सभी स्टूडेंट्स को पसंद आया हो। सो वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।